नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट, डिजिटल करेंसी लाने का किया ऐलान, तो क्रिप्टो पर लगाया 30% टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स को 18 से घटाकर किया 15%, गरीबों को मिलेंगे 80 लाख घर, तो 60 लाख नई नौकरियों की घोषणा। उत्तराखंड के चुनावी समर में उतरे भाजपा स्टार प्रचारक, 3 फरवरी को जेपी नड्डा और 4 फरवरी को गृहमंत्री अमित शाह करेंगे प्रचार, गढ़वाल और कुमाऊं में चुनावी सभाएं और डोर टू डोर जनसंपर्क। कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में उतारा दिग्गजों को, प्रियंका गांधी वाड्रा 2 फरवरी को चुनावी घोषणा पत्र करेंगे जारी, तो 5 फरवरी को राहुल गांधी हरिद्वार में वर्चुअल सभा को करेंगे संबोधित। पांच राज्यों में चुनावों को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, अब 1000 लोगों की रैली और 500 लोगों की इंडोर मीटिंग कर सकेंगे राजनीतिक दल, डोर टू डोर कैंपेन में भी होगी 20 लोगों की अनुमति। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी से राहत, 10 की मौत, 1200 नए संक्रमित, तो 24 घंटे में 2400 से ज्यादा संक्रमितों ने भी कोरोना को मार। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बजट 2022 की। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2022 पेश किया, जिसमें इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन किसानों स्टार्टअप के लिए सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान आज किया। सीतारमण ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी, तो वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है, नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपए प्रति किलो रहेगी, स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी 1 और साल के लिए बढ़ाई जा रही है, इसके अलावा खेती से जुड़े सामान को सस्ता किया जाएगा। साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे, जिसमें राज्यों को 50 लाख के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे छोटे किसानों एमएसएमई के लिए नए उत्पाद विकसित करेगी और केंद्र तथा राज्य सरकारों के प्रयासों के कारण रोजगार व उद्यम अवसरों में वृद्धि हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें भी शुरू की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक युक्ति संगत योजना लाई जाएगी, जिससे आयात को कम किया जा सके। सीतारमण ने कहा कि अगले 3 साल में 100 PM गति टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे, साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों का 2022-23 में 25,000 किलोमीटर विस्तार किया जाएगा, साथ ही सड़क परिवहन मास्टर प्लान के लिए 2022-23 में प्रधानमंत्री गति शक्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महामारी की नई लहर के बीच अपना 4था बजट आज पेश किया। इस बजट से इंडस्ट्री और अन्य सेक्टर समेत आम लोगों को भी काफी उम्मीदें थी। इस बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए खास ख्याल रखा है, इस इकोनॉमी में डिमांड जनरेशन में मदद मिलेगी, प्रधानमंत्री आवास के तहत नए मकान बनाए जाने की मल्टीप्लायर इम्पैक्ट इस पर होगा। साथ ही आम लोगों के लिए सरकार ने बजट में कुछ बड़े ऐलान भी आज किए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और नल जल योजना के लिए बड़े ऐलान किए गए। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और नल जल योजना के लिए बड़े आवंटन शामिल किए गए। पीएम आवास योजना में 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। सभी घरों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने पर फोकस स्कीम नल जल योजना के लिए इस बजट में 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
संसद में देश का आम बजट आज पेश किया गया। रेल बजट को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएगी और भारतीय रेलवे की गति के लिए 100 गतिशक्ति कार्गो का भी प्लान है। रेलवे बजट पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री जरदोश दर्शनाबेन से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। बजट पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश। मैम, बजट को लेकर कई तरीके की सुविधाएं यात्रियों से जुड़ी हुई ऐलान कर दिया गया है, इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? रेलवे हमारी लाइफलाइन है और रेल सबकी डिमांड हमेशा रहती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी मिले, कंफर्ट मिले और जल्द से हम पहुंच सके। स्वच्छता के साथ में भारत में बनने वाली आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ने वाली ये सुविधा हम लोग लेके जाएंगे। 400 ट्रेन जो डिक्लेयर करी गई है उसके साथ में हर एक स्टेशन के ऊपर एक प्रोडक्ट की बात जो करी गई है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, तो जहां लोकल टूरिज्म प्लेस होंगे वगैरह वहां की प्रोडक्ट भी हम लोग स्टेशन के माध्यम से वहां पे बिक्री होगी और लॉजिस्टिक यूज में भी हम लोग उसमें ज्यादा बढ़ावा देंगे। लोग इनका फ्रेट के माध्यम से अपनी चीजें ले जाने के लिए ज्यादा यूज करें, ऐसी हमारी सोच है। मैम, क्योंकि कोरोना संकट के बीच में ये बजट पेश किया गया है और यात्रियों को बहुत सारी उम्मीदें थी और उनकी उम्मीदों पे खरा भी उतरा है ये बजट, ऐसे में आम जनता जो है वो और भी आगे उम्मीदें लगा रही है और जितने ये जो घोषणाएं की गई हैं ये कितने जल्द से जल्द ये पूरा किया जाए? आजादी के 70 साल भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, जो कनेक्टिविटी के लिए हम लोगों को डबलिंग होना चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, वहां पे मानव रहित हमारी ये सिग्नलिंग होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद उनसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ खास बातचीत यहाँ पर कर रही थी केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शना चौधरी। तो वही 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनावी रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को लेकर चुनाव आयोग की सोमवार को बैठक हुई। चीफ इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात के बाद रैलियों पर बैन के संबंध में फैसला किया। ईएसआई के फैसले के बाद अब 1000 लोग इस रैलियों में शामिल हो पाएंगे। तो वहीं इंडोर सभाओं में 500 लोगों के बैठने की अनुमति होगी। डोर टू डोर कैंपेन में 20 लोग जा सकेंगे। इससे पहले कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में 22 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर रोक लगाई थी। हालांकि एक बार फिर से इसे बढ़ाकर 31 जनवरी तक कर दिया गया था। उत्तराखंड के चुनावी समर में भाजपा अपने स्टार प्रचारकों को उतारने जा रही है। 3 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और 4 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गढ़वाल और कुमाऊं में चुनावी सभाएं और डोर टू डोर प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा उत्तरकाशी में जनसभा को संबोधित करेंगे और डोर टू डोर प्रचार में हिस्सा लेंगे। तो वहीं अमित शाह 4 फरवरी को पिथौरागढ़ में जनसभा करेंगे। उनके इस कार्यक्रम के बाद 3 बजे नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा होगी। इस दौरान भी वे डोर टू डोर प्रचार करेंगे। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने चुनाव प्रचार को तेज करते हुए दिग्गजों को मैदान में उतारने का फैसला लिया। इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा 2 फरवरी को देहरादून पहुंचेंगी, जो इस दिन कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र वहां पर जारी करेंगे, जबकि 5 फरवरी को राहुल गांधी हरिद्वार आएंगे और विधानसभा क्षेत्रों का वर्चुअल संबोधन इन क्षेत्रों पर करेंगे। लालकुआ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के चुनाव चिन्ह वितरण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की पहली प्राथमिकता लालकुआ विधानसभा का विकास करना रहेगा, साथ ही नई योजनाओं को लेकर आना। हल्द्वानी के विकास कार्यों में जो कार्य रुक गए थे उन्हें दोबारा शुरू किया जाएगा। कांग्रेस कहा है कि हम सब में बढ़ोतरी करेंगे, इसको 1.5 गुना करेंगे और हमारी पुरानी योजनाएं सबसे चालू करेंगे। बाईपास होगा, लालकुआ निवासियों को माल लिखाना है, 2000 सर्टिफिकेट के आधार पर मिलेगा और बिंदुखत्ता वासियों को उनकी भावनाओं के अनुरूप अगर वो चाहेंगे नगर पालिका तो ठीक, अगर नहीं चाहेंगे नगर पालिका तो राजस्व गांव के लिए जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ा करके राजस्व गांव का दर्जा दिलाएगा।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा को झटका लगा है। दरअसल भाजपा से बागी हुए लालकुआ पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। पवन चौहान को चुनाव चिन्ह का प्लेट भी मिल गया, जिसके बाद एक प्रेस वार्ता में पवन चौहान ने कहा कि भाजपा आलाकमान ने भल पहले भाजपा से बागी हुए व्यक्ति को टिकट देकर सभी कार्यकर्ताओं का अपमान किया, जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। अफवाह उड़ाने वालों का कोई इलाज नहीं होता है, वो कुछ भी कह सकते हैं। पर्चा वापिस ले मैं जब हुई नहीं, मैं दो दिन से यहाँ लालकुआ से बाहर था, तो पर्चा मैं ही तो वापिस लूँगा। और पर्चा लेने से पहले कैसे कर दिया जाता है, पर्चा वापिस ले लिया। मान मनोबल करने वालों ने बहुत देर की है, आज मान मनोबल करने का कोई वो नहीं रह जाता है। क्या हम इतने भाजपा का कार्यकर्ता इतना गया बीता है कि उन पहले तो रोएगा पार्टी छोड़ने में, फिर वो पर्चा दाखिल करेगा, फिर वो नाम वापसी के दिन कहेंगे तुम वापसी ले लो, तो ये हमारे कोई मान मर्यादा नहीं है, ये जनता की मान मर्यादा नहीं है जिन्होंने मेरा समर्थन किया था। अल्मोड़ा विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरे निर्दलीय उम्मीदवार विनय किरौला ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों की ओर लोगों का मन भंग होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में सभी पक्षों का ख्याल रखा गया। ये हमारा जो संकल्प पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, उसको हम आज जारी किया है, और उसमें हमने महिलाओं, पहाड़ की महिलाओं से लेकर पहाड़ का जो युवा छोटी छोटी नौकरी के लिए मजबूर हो गया है पलायन करने को, और उसके अतिरिक्त जो जो अल्मोड़ा शहर है उसको हेरिटेज सिटी बनाने का जो हमारा संकल्प है, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग आज अपना हमने संकल्प पत्र जारी किया है, और इसी विषय पे आज हमने बात भी रखी है। विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद चमोली जिले में प्रचार प्रसार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां डोर टू डोर जनसंपर्क में जुटी है, और इसी बीच गोपेश्वर में पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बद्रीनाथ विधानसभा से पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी पुष्कर बैछवाल ने बताया कि पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे अहम मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच जा रही है। पहली फरवरी 2022 को पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यालय का उद्घाटन हो गया है, और अब हमारा प्रचार अभियान पूरे बद्रीनाथ क्षेत्र में जोरों पर रहेगा, और हमारा चुनाव चिन्ह है फलों की टोकरी, और सीरियल नंबर है 5 पर जो है बद्रीनाथ की जनता से आग्रह करते हैं कि वो चुनाव चिन्ह फलों की टोकरी पर जो है आगे का बटन दबाकर जो है भारी बहुमत से विजयी बनाएं। और अब हमारा जो प्रचार अभियान है बद्रीनाथ ने तपोवन और रेणी से शुरू होगा, और लास्ट जो है पोखरी और मोहनखाल और इधर जिलासू और बमूथ आदि गांव में। उत्तराखंड के कालागढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन तथा चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव के चलते प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी के चलते पुलिस और चुनाव पर्यवेक्षकों ने संयुक्त रूप से कालागढ़ की सीमावर्ती इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का जायजा लिया गया, साथ ही थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर थानाध्यक्ष उमेश कुमार और उप निरीक्षक प्रियंका नेगी वहां उपस्थित रहे। अल्मोड़ा जिला वनाग्नि सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी वंदना सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद में पिछले 2 वर्षों से वनाग्नि की घटनाएं अधिक घटित हुई हैं, उन क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए 10 फरवरी से पूर्व एक ठोस कार्य योजना तैयार कर ली जाए, ताकि इस वर्ष वनाग्नि की घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि इन क्षेत्रों में ग्राम स्तर तक वनाग्नि को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। इसमें जिला स्तरीय वनाग्नि प्रबंधन समिति की आज बैठक थी, जिसमें डीएम मैडम की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इसमें अन्य विभागों में जैसे पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान और पुलिस विभाग, पुलिस से भी अधिकारीगण आए थे, और इस पर चर्चा की गई कि किस तरीके से सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे से समन्वय स्थापित करके समस्त संसाधनों का इस्तेमाल करके एक साथ कैसे हम आगामी फायर सीजन में वनाग्नि रोकथाम पर अच्छी कार्रवाई कर सकते।
नानकपत्ता के एक होटल में पुलिस के द्वारा छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया और चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। तो वहीं होटल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई कर होटल को सीज कर दिया गया। ये शिवम वाटिका होटल है नानकपत्ता में, जिसके मालिक अखिलेश मिश्रा जी है। तो होटल में छापा मारा, वहाँ पर जो है तीन लड़कियाँ और चार लड़के पकड़े गए हैं। एक लड़की झारखंड की है और एक दिल्ली की और एक जो है वो हरियाणा की लड़की है, जो अनैतिक देह व्यापार के धंधे में जो है वो लिप्त मिली है। चलिए बात कर लेते हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण की। यहाँ बीते 24 घंटे में 1200 नए संक्रमित मिले, जबकि 10 मरीजों की संक्रमण से मौत हो गई। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा रही, जो राहत के बाद फिलहाल राज्य में 30,790 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देहरादून में 368 संक्रमित मिले, हरिद्वार में 160, नैनीताल में 210, पौड़ी में 34, उधम सिंह नगर में 211, अल्मोड़ा में 25, रुद्रप्रयाग में 35, उत्तरकाशी में 45 नए मामले, बागेश्वर में 17, चंपावत में 67, पिथौरागढ़ में 7, चमोली में 11 और टिहरी जिले में 10 नए संक्रमित मिले। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।